टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित। आज हम लोग BOQ इज़ प्रोटेक्टेड अनेबल टू रीड BOQ फाइल, इसके रिगार्डिंग, ये एरर के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। बेसिकली ये एरर्स काफ़ी आ रहे हैं अभी 2-4 दिन से, बहुत लोगों के कॉल्स आए कि ये एरर्स आ रहे करके, तो इसके रिगार्डिंग क्या सॉल्यूशन है हम लोग देखेंगे। सबसे पहला ये BOQ का एरर्स के लिए क्या होता है। जनरली आपके सिस्टम में प्रॉपर वे से, देखिए इसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। पहला रीज़न है कि आपने BOQ प्रॉपर वे से नहीं फिल किया तो आ सकते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो आ सकते हैं, या फिर आपके सिस्टम का सेटिंग प्रॉपर नहीं है। कोई भी सिस्टम में सेटिंग में मिस्टेक्स है तो हम लोग सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं ये एरर्स के लिए कैसा रह रहा है। तो देखिए यहाँ पे BOQ इज़ प्रोटेक्टेड बोल के आ रहा है, इसको ओके करेंगे और फिर से हम लोग इसको आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको आगे जाते, पर आपने कोई एरर के लिए दोबारा पहले BOQ दिखाओ, वो जहाँ पे डाउन एरर्स का देखेंगे। यहाँ पे देखिए इनका एक BOQ है और इसने प्रॉपर वे से बनाया भी है, फिर ये एरर उनको डिस्प्ले हो रहा है। देखेंगे तो ये एरर्स फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और फिर से हम जब भी इसको इंस्टॉल करते हैं फिर से वो एरर्स नहीं जा रहा है। तो ऐसा एरर्स यदि आपके पास आए तो एक तो सेटिंग चेक कर लो, BOQ का प्रॉपर वे से प्रोटेक्टेड है, BOQ में कुछ प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है ऐसे भी। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जो हमारे पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस है। यहाँ पे वो आपने आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा भगत टेक्नो का, वहाँ पे आपको स्टोर में मिलेगा। स्टोर से आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ से स्टोर में जाके आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे BOQ प्रोटेक्टेड बोल के मिलेगा। आप वहाँ से उसको आपको परचेज करना पड़ेगा और फिर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये आपका एंड्रॉयड ऐप पे, यदि आप iOS पे है या दूसरा वेब पे देखना चाहते हैं तो भी वेब के लिए भी सॉल्यूशंस है, हम आपको वो भी आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ वेब खोल के रखा है, उसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो है web.classplusapp.com। न्यू ऐप लॉगिन करके यहाँ पे आपको पहला ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कोड डालना है, वो ऑर्गेनाइजेशन का कोड मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन का कोड से आपको मिल जाएगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो कोड है वो है RREDG। यहाँ पे जाना है, उसको वेरीफाई करना है और फिर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है। मैं आपको एक मिनट में सिर्फ आपको बताता हूँ, और यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू, OTP आएगा आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे जो भी आप नंबर डाले हैं इसको वेरीफाई कीजिए। आने के बाद आपको यहाँ पे स्टोर पे जाना है, यहाँ पे आपको स्टोर बोल के आपको नज़र आएगा स्टोर का, तो यहाँ पे आपको जो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं तो आपको यहाँ पे स्टोर पे नज़र आएगा। जैसे आप स्टोर पे जाएंगे आपको स्टोर पे सभी चीज़ें डिटेल्स में आपको दिखेगा, वहाँ से आप हमारा परचेज कर सकते हैं। यदि आप पूरा ई टेंडर का पूरा का वीडियो जाते हैं तो पूरे वीडियो भी आप वहाँ पे अपलोड है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर ये एरर का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप वहाँ भी वहाँ से परचेज पूरा का पूरा कर सकते हैं। मैं आपको इसका दूसरा लॉगिन करके दिखाता हूँ। देखिए जब आप लोग यहाँ पे करेंगे तो स्टूडेंट बोल के क्लिक कीजिए और इसको कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, मैंने डाल दिया रजिस्टर। हो गया, यहाँ पे आपको स्टोर मिलेगा, यहाँ पे आपको सभी बैचेस मिलेंगे हमारा। ये देखिए एरर का है, आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं इस वीडियो का, या फिर पूरा ई टेंडर्स के यदि देखना चाहते हैं तो ई टेंडर्स की वीडियो है। जेम पोर्टल का जाते हैं तो जेम पोर्टल का पूरा वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। ई टेंडर ऑफ फ्लैशिंग के लिए यदि आपको कंटेंट चाहिए तो अवेलेबल है, और भी वीडियो आपको थोड़े दिन के जैसे जैसे डे जाएगा वैसे वैसे आपको और वीडियो मिलते जाएगा, तो आप यहाँ से कोई भी देख सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।